हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की नई वीडियो में हम व्रत की एक न्यू रेसिपी लेकर आए हैं जिसको हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस तरीके से आप 9 दिन का जो व्रत रहते हैं उसमें अलग अलग तरीके का व्यंजन बनाकर आप खा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की पकौड़ियाँ। सो गाइस, आलू की पकौड़ी बनाने के लिए हमने इस तरीके से आलू के स्लाइसेस कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने खल में लिया है 1 इंच अदरक और 8 से 10 दाने काली मिर्च। आधा चम्मच डालेंगे अब हम इसमें जीरा। जीरा हमने धो कर के लिया है। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए हरी धनिया। अब हम सारे मसालों को अच्छी तरीके से कूट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। तो मिर्ची को डालने के बाद फिर से हम इसे कूट लेंगे। इसे हमें दरदरा ही कूटना है, आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें इसे दरदरा कूटना है। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 कप सिंघाड़े का आटा। तो अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो हम इसमें डाल देते हैं। तो हमारे खल में थोड़ा मसाला लगा हुआ था इसलिए हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको हिला के इसमें डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक थिक घोल बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे घोल की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब हम इसमें आलू को डिप करें तो ये अच्छी तरीके से आलू में लग जाए। तो आइए अब चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम सारी टिक्कियाँ इसमें डाल देंगे, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम थोड़ा सा दूर दूर करके डालें क्योंकि ये आपस में चिपक जाती हैं। इसी तरीके से हम एक एक करके सारी टिक्कियों को डाल देंगे बीच बीच में स्पेस बना करके, ताकि ये एक दूसरे में चिपके ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी टिक्कियाँ अच्छी तरीके से लाल हो गई हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। सारी टिक्कियों को हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से सेम कढ़ाई ली है और उसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच घी। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। इसके अच्छे से तड़क जाने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू जिसको हमने पहले से ही बॉईल करके कट करके रखा था। तो यहाँ पे हमने आलू डाल दिया है। अब हम आलू को ऐसे ही चला चला के लाल करेंगे। और गाइज, आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने सिर्फ ऐसी चीज़ों का यूज़ किया है जो कि व्रत में खाए जाते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच बारीक कुटी हुई काली मिर्च और इसको डालने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग मीडियम फ्लेम पे ही बना रहे हैं। आप आलू को व्रत में भी खा सकते हैं, दाल चावल पूरी पराठे के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे हमें मिर्ची थोड़ी सी कम लग रही थी इसलिए हमने यहाँ पे 2-3 मिर्ची को और चीरा लगा के बीच से डाल दिया है। आप अपने हिसाब से तीखा रख सकते हैं आलू को।
इसमें डालेंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आलू अच्छी तरीके से लाल हो रहा है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, जिससे आलू का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। धनिया को डालने के बाद हम आलू को फिर से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा खट्टा तीखा चटपटा सा आलू बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमने कढ़ाई में एक चम्मच घी डाल दिया है। अब हमने यहाँ पे दो आलू को अच्छी तरीके से मैश करके इसमें डाल दिया है। आलू को हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे एक कप नारियल का बुरादा। तो आलू के साथ ही हम इसको अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एक कप दूध और दूध को डालने के बाद फिर से हम इसको चलाएंगे। हमने यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाला है, जिसकी क्लिप गलती से हमसे मिस हो गई है। तो यहाँ पे हमने चीनी लगभग 4 से 5 चम्मच तक डाला है। आप मीठा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही भूनते रहेंगे जब तक ये आटे के डोके फॉर्म में ना आ जाए। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़े से काजू। आप इसमें अपने कोई भी फेवरेट ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो आलू की बर्फी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसलिए आप लोग भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं। तो ये हमारा डो एकदम तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के सेट करेंगे। तो गाइज़, हम लोग वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने उसको अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब हम इसको पिस्ते से थोड़ा सा गार्निश करेंगे और उसके बाद फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमारी बर्फी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम इसको अपना फेवरेट शेप देके निकाल लेंगे। सो गाइज, यहाँ पे हमारी व्रत की थाली बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमने एक सिंपल तरीके से खीरे का रायता बनाया है और ये हमारी आलू की पकौड़ियाँ यहाँ पे बन चुकी हैं। हमारा चटपटा आलू बनके एकदम तैयार है। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा।